मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुर्धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति ये है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल एक महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण एक महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब आप परलोक में जाकर महाराज दशरथ से मिलें, तो पिताश्री को सीता हरण का यह वृत्तांत कदाचित न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनका पुत्र राम हूं, तो रावण अपने सारे कुटुंब सहित शीघ्र ही उनके चरणों में पहुंचकर यह कहानी उन्हें स्वयं सुनाएगा। भगवान, तुम्हें विजयी करेंगे पुत्र। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुर्धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति ये है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। हम सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपके ध्वज की छाव में युद्ध करेंगे। ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। सो आप सबकी उमंग और उत्साह देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपको ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों पर अधिकार है जो संसार में और किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुर्धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति ये है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे।